घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होती हैं। जो नाकामयाबी को गले लगाना नहीं जानता वो कभी तरक्की नहीं पाता। सुपरस्टार प्रभास की अपकमिंग फिल्म सलार में किस एक्ट्रेस की एंट्री हो चुकी है, क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें, कब ये रिलीज हो सकती है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोरिका जाल। दोस्तों, साउथ फिल्म सुपरस्टार प्रभास की बहुप्रतीक्षित फिल्म सलार को लेकर फैंस में गजब का क्रेज देखने को मिल रहा है। इस फिल्म को KGF निर्देशक प्रशांत नील डायरेक्ट करने वाले है। ये एक डार्क एक्शन थ्रिल फिल्म है और जिसमें प्रभास धांसू एक्शन करते हुए नजर आएंगे। और खास बात यह है कि प्रशांत नील जैसे बड़े एक्टर्स को डायरेक्ट कर रहे हैं और प्रभास के बारे में आप जानते ही हैं, यानी कि दो बड़े बॉम्ब डायनामाइट एक साथ होंगे तो तहलका ही मचेगा। वहीं आपको बता दें कि इस फिल्म में प्रभास के अपोजिट होने वाली है श्रुति हसन। इस फिल्म की शूटिंग का एक हिस्सा पूरा हो चुका है, बाकी हिस्से की शूटिंग हैदराबाद में कोरोना की दूसरी लहर के थमने के बाद ही की जाएगी। इस बीच फिल्म को लेकर एक दिलचस्प जानकारी सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म में तमिल अदाकारा ज्योतिका की एंट्री हो चुकी है। अभी इसका आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, मगर फिल्मी हलकों में तेज चर्चा है कि ज्योतिका फिल्म में प्रभास की बड़ी बहन के रोल में दिखेंगी। इससे पहले अदाकारा ज्योतिका अपने देवर कार्थी की फिल्म थांबी में उनकी बड़ी बहन के किरदार में नजर आ चुकी हैं और एक्ट्रेस ने कई बार इस तरह के किरदारों को करने के लिए मना किया है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये एक्ट्रेस प्रभास की इस फिल्म में उनकी बड़ी बहन का किरदार करेंगी, जो कि वो नहीं चाहती, लेकिन एक बड़ा प्रोजेक्ट उनके लिए होगा तो हो सकता है कि वो इस फिल्म में हो। वहीं आपको बता दें कि ज्योतिका साउथ के सिंघम और तमिल सुपरस्टार सूर्या शिवकुमार की पत्नी है। वो बॉलीवुड में भी डेब्यू कर चुकी हैं। बॉलीवुड में उन्होंने डेब्यू किया था अक्षय खन्ना की फिल्म डोली सजा के रखना से। ये उनके करियर की पहली फिल्म थी। इसके बाद अदाकारा ने तमिल फिल्मों की दुनिया में कदम रखा, जहां एक्ट्रेस ने कई शानदार फिल्में दी। एक्ट्रेस ज्योतिका ने तमिल स्टार सूर्या संग कई फिल्मों में काम किया है, जिसके बाद उनकी शादी भी हो गई। वही दोस्तों, फिल्म की एक्ट्रेस श्रुति हसन एक बार फिर से काम पर वापस लौटना चाहती हैं। उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया था जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। श्रुति हसन ने बताया था कि हम सब बहुत परेशान हो गए हैं आर्थिक रूप से भी, और अब हमें काम पर लौटने की ज़रूरत है, हम घर नहीं बैठ सकते, इसीलिए वो बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं। और उन्होंने कहा कि वो अपने माता पिता से अलग रहती है, उन्होंने हाल ही में घर लिया है जिसकी वो EMI भर रही हैं, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है और मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द वो शूट पर वापस जाएं। फिल्म इंडस्ट्री में फिलहाल यही चल रहा है, बहुत सारी जो फिल्में हैं उनकी शूटिंग रुकी हुई है। फिलहाल दोस्तों आपको बता दें, सलार जो है अगले साल रिलीज की जाएगी। इसके अलावा प्रभास की राधेश्याम भी आने वाली है, जिसमें कि उनकी अपोजिट पूजा हेगड़े होने वाली है। आदि पुरुष उनकी आने वाली है, साथ ही प्रभास 21 जिसमें कि दीपिका पादुकोण के साथ वो नजर आएंगे। तो प्रभास की फिल्में पटारे में बहुत कुछ खास है। आप कितना वेट कर रहे हैं उनकी फिल्मों का, खासकर सलार का, नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।